तेजस्वी यादव द्वारा प्रशांत किशोर पर किए गए टिप्पणी पर पीके ने किया पलटवार, कहा बिहार में इस बार उन्हें पढ़ा लिखा मिल गया है तभी उन्हें डर लग रहा है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने पीके के बारे में कहा कि वो बिहार में चलने वाले नहीं हैं। इस पर प्रशांत का तंज, कहा तेजस्वी यादव चाहते हैं कि समाज अनपढ़ बना रहे तभी न 9वीं पास लोग उन्हें अपना नेता मानेंगे। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की है कि नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी न जाकर 9वीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो लोगों को लगता है कि वही जमीनी नेता है, भले ही उसको भाषा और विषय का ज्ञान ना हो। कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो हम और आप बात करते हैं कि ये बिहार में नहीं चलेगा। आज देश में भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे, इसके बावजूद आज बिहार जैसी भयावह स्थिति देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। क्या कोई तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से बिहार में आकर मजदूरी कर रहा है, मगर बिहार के लोग जानवरों की तरह ट्रेन में लदकर भेड़ बकरी की तरह मजदूरी करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को फैक्ट्री बनाने को लेकर किसी ने चर्चा करते सुना है प्रशांत किशोर? समस्तीपुर के कल्याणपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है, मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीजों में इनका ध्यान रहता है। दुनिया कितनी दिनों तक रहेगी, कब खत्म हो जाएगी, इस पर बात करते हैं। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले एक साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और चाहते हैं। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे, ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहां बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहां नहीं है देश में, नेता कहां झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आज के हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठ कर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे थे, आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए। समस्तीपुर में भी 2-4 फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन फैक्ट्रियों से आगे नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। कभी आपने नीतीश कुमार को चीनी मिल के बारे में बात करते सुना? आपने झूठ मिल पर नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य सुना? आपने कोई चर्चा सुनी कि भाई समस्तीपुर में पेपर मिल कैसे चालू हो सकता है? उनकी चर्चा क्या है कि दुनिया का नाश होने वाला है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं, यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय बना नहीं रहे, और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है डिल्यूजनल हो गए हैं, उम्र का असर हो गया है। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उन पर उम्र का असर हो गया है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी के तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले एक साल के स्पीच को उठाकर देख लीजिए, ये एज का असर है, उम्र का असर है, डिल्यूजनल हो गए। सब कह रहा है दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहा है,
मन से अपने अफसरों पर अपशब्द बोलते हैं। कल परसों किसी अपने सलाहकार को मन से बेइज्जत कर रहे थे, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को कुछ बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार के बोलने का अब पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी, आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है।